नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिरुड़ पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिरुड़े भिगा दिए गए थे, अब इन्हें धोने के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि आज है सातों और कल है आठों। तो चलते हैं बिरुड़ धोने नीचे नौले के पास। तो यहीं से थोड़ी दूरी पर है नौला। अरे रुक जा, आ रहे हैं अभी। तेज हो गया आने की चित्त में। नीचे पे कई बार आई तो दोस्तों, भगवान शिव और माँ पार्वती को अपने साथ दीदी और जीजा के रिश्ते में बांधकर यह त्योहार मनाया जाता है। मतलब कि माँ गोरा को हम दीदी और महादेव को हम भिंजू मान के ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता यही है। कहते हैं जब माँ गौरी यानी कि दीदी और जीजा महेश्वर महादेव से नाराज होकर अपने मायके आ जाती है, तब महादेव उनको वापस ले जाने के लिए ससुराल आते हैं। तुझे कहाँ जा रहे हैं हम? हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? बिरुड़ है? क्या करने बिरुड़? ए, करंगे खड़ा। तो न जाने कितने सालों बाद मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ। ये सीमेंटेड रास्ता जाता है मुंगराउन, ये एक जाता है यहाँ पे नाले पे। इसके नीचे भी है एक नाला, यहाँ देवी नाल, उससे नीचे भी है एक नाला, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम नाला। एक यहाँ पर पुरुषोत्तम जी हुआ करते थे, उनके नाम से है ये नाला। तो हम यहाँ पर फिलहाल एक ऊपरी नाले पे जा रहे हैं। यहाँ लोग पहले से बैठे हैं बिरुड़ धोने के लिए। ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, ये तो ये बना रहा हूँ दादी। तो ये हैं गौरा शंकर, बहुत ही सुंदर बना रखे हैं जिसने भी बनाए के। वैसे बिरुड़ पंचमी के दिन सप्त धान्यों या पांच धान्यों को भिगाने के साथ इस पर्व की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाती है। गांव में इस पर्व के प्रति काफी उत्साह दिखाई देता है। लोग अपने अपने गांव में शाम को चाचरी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। बारिश भी खूब इस उत्सव के मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है क्योंकि लगभग रोज ही बारिश होती है भादों में। सातों आठों त्यौहार में तीन चार दिन काफ़ी कुमाऊनी लोक गीतों का और लोक नृत्य छोड़ा चाचरी आदि की धूम मची रहती है क्योंकि चाचरियाँ तभी से शुरू हो जाती हैं। आजकल रोज गांव में कुछ शाम को या कहीं कहीं दिन में भी लोग चाचरी करते हैं और गांव की महिलाएं पुरुष रोज शाम को आनंद के साथ पूरे गांव में सुख समृद्धि के लिए नाचते गाते हैं और इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। तो सातों आठों लोग पर वो भगवान के साथ मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना और उनके साथ आनंद मनाने का त्यौहार है। जैसे कि हम जानते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते हमेशा मीठे नहीं रहते हैं, खट्टे मीठे रहते हैं। वैसे ही देवताओं के भी रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रह सकते पति पत्नी के, तो रूठना मनाना तो लगा रहता है। तो उसी तरह हम जैसे कि माँ गौरा और महादेव मैत्री अनबन हो जाती है, माँ रूठ जाती है तो मायके चली जाती हैं, तो महादेव भी मनाने को जाते हैं। तो इंसानों में भी ये सब होता है लोक में, पृथ्वी लोक में। तो जैसे सपनी बदल गई वैसे भगवान ने बदल ली। तो जब फिर महादेव आते हैं ससुराल माँ गोरा को ले जाने के लिए, तो अभी वो दीदी के रूप में हम पूछते हैं। तो दीदी गोरा की विदाई और पिंजू यानी कि जीजा जी महादेव की सेवा के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार कुमाऊं सीमांत में सातों आठों के नाम से तथा नेपाल में गोरा महेश्वर के नाम से मनाया जाता है। और इस लोक पर्व को गमारा पर्व भी कहते हैं। काफी आपने सुना होगा काफी गमार। तो दोस्तों, भाद्रपद की पहली पंचमी से शुरू होता है ये त्यौहार और इसकी तैयारी हो जाती है। तब से पंचमी को बिरुड़ पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एक साफ तांबे के बर्तन में गाय के गोबर से पंच चिन्ह बनाकर उस पर धूप अक्षत करके उसमें पांच या सात प्रकार का अनाज भिगोने डाल दिया जाता है।
इन अनाजों में मुख्यतः गेहूं, चना, सोयाबीन, उड़द, मटर, गहर, कलू बीज आदि होते हैं। सातों के दिन जल स्रोत भी, जैसा कि आज सातों हैं, इनको धोकर आठवीं यानी कि कल अष्टमी के दिन गौरा महेश को चढ़ाकर फिर स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तथा सभी लोग ऐसे विरूप रूप में चढ़ाकर आशीष देते हैं। जैसे हरेला चढ़ाते हैं ना, तो वैसे ही बिरुल को भी चढ़ाते हैं और आशीष देते हैं। तो सातों के दिन आप देख सकते हैं जैसे कि गांव की महिलाएं एक साथ जल स्रोत पर आती हैं, कुछ लोग बिरुल धो के चले गए हैं। तो यहाँ पर ये पांच जगह अक्षत करके और मंगल गीत गाते हुए, लेकिन गीत तो आजकल आता कहाँ है, बिरुलों को धोकर ले आती हैं और बिरुलों को वापस पूजा घर में रखकर गमरा दीदी को श्रृंगार किया जाता है। अब शाम को जो गमारा दीदी का श्रृंगार होगा, तो आप देखेंगे काफी अच्छे वहाँ पंडित जी कथा भी सुनाते हैं। तो गमारा मतलब पार्वती जी को बोलते हैं गमारा दीदी। तो इनका श्रृंगार करके महिलाएं 16 श्रृंगार करके धान के खेत से एक विशेष पौधा सौ और धान के पौधे लाती हैं और उससे डलिया में गमारा दीदी को सजाया जाता है। फिर लोकगीत गाते हुए गांव के उस स्थान पर रख देते हैं जहां बिरुल पूजा का आयोजन होता है। तो ये आयोजन आज सुन्नू लोगों के यहाँ पर होगा और जहां बिरुल पूजा का आयोजन होगा। और पंचमी के दिन बिखाए गए उन बिरुल से गौरा माँ यानी कि गमार दीदी की पूजा होती है। इस शुभ अवसर पर अखंड सौभाग्य और संतान की मंगल कामना के लिए सुहागिन महिलाएं गले व हाथ में पीली डोर धारण करती हैं और पुरोहित जी जो पंडित जी होंगे वो सप्तमी की पूजा करते हैं। और उसके बाद महिलाएं लोक नृत्य तथा लोक गीतों का आनंद भी लेती हैं और चांचरी भी लगती है। तो यहाँ तक तो हो गया आज का प्रोग्राम सातों। अभी शाम का प्रोग्राम होना है, मतलब जिसमें गमना दीदी का श्रृंगार वगैरह वो सब होगा। तो कल के दिन अभी आठों के दिन होती है माँ गमरा की विदाई। आठों के दिन सभी महिलाएं एक स्थान पर जमा होकर खेतों में से डलिया में सौ धान के पौधे लेकर भिंजू महेश्वर यानी कि भगवान शिव जी की प्रतिमा बनाते हैं और लोक गीतों के साथ उन्हें माँ पार्वती के साथ स्थापित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव रूठी हुई माँ पार्वती को मनाने ससुराल आते हैं। पंडित जी पूजा करवाते हैं, बिरुर चढ़ाए जाते हैं और इसी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व की समाप्ति होती है। फिर अगले साल दोबारा से यही सब मनाया जाता है। अच्छा तू क्या ठीक है? अभी कर लिए हेलो मम्मा कर लिए अभी कर लो पता चल ना क्या जाओ मम्मा चलो ना क्या क्या आओ चलो है ये दो इसमें पानी भर के दो तीजी जो तीजी उसमें सर में रख के जाती है बात को कर दो क्या जी ऐसे कहते ना आज इतना अच्छा हो गया खेलने के लिए ऐसे बनाया कल तो फास्ट तो हुआ सबका पानी पकड़ोगे आप तीजू है अम्मा तो भी पकड़ेगी चलो चलते बड़ा चलते जो मेरे तुम बड़े चलो तेरी से पूछे पहले वरना मैं अपना काम करूंगा पकड़ लेगी तेजू पकड़ो तेजू चलो 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 कुत्ते पे पैर मत रखना वो भी ना तो ये धुल चुके हैं बिरुड़े और कल इन्हें पकाएंगे, लेकिन कल भी जन्माष्टमी का फास्ट रहेगा तो परसों पकाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करता हूँ समाप्त, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कल जन्माष्टमी का ब्लॉग दिखाया जाएगा तो बने रहेगा मेरे चैनल तेजो एम ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।